जो है वो कुर्तुबा, कुर्तुबा अंडालुसिया का कैपिटल, उसकी तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं सबील का ये ट्रेन स्टेशन कैसा है। कुर्तुबा जा रहा हूँ, आज 14 अगस्त है और बस सोचों में डूबा हुआ हूँ बहुत ज़्यादा। ख्याल इस वक्त मैं सबील से कुर्तुबा जा रहा हूँ और आज 14 अगस्त का दिन भी है 2023 और सोच रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने आज के दिन पाकिस्तान को आज़ादी अता की थी, लेकिन हम यानी इस 14 अगस्त में बहुत ज़्यादा मुझे मायूसी थी। हालांकि मायूसी मना है, लेकिन मायूसी अल्लाह की ज़ात से नहीं अपनी अशराफिया से थी। और कुर्तुबा जा रहा हूँ और जब भी स्पेन आता हूँ अंडालुसिया, तो ये जो इस पूरी हिस्ट्री है 800 साल तारीख मुसलमानों की, उसको पढ़ रहा होता हूँ, सोच रहा होता हूँ और कैसे कैसी शख्सियात थी और किस तरह से एक अजीम सल्तनत का ख़ात्मा हो गया। तो कौमों को और हम ख़ास तौर पर मुसलमानों को इससे सबक हासिल करना चाहिए, लेकिन लगता है ऐसा है कि हमने एक चीज़ सीखी है कि कुछ सीखना नहीं है और तारीख से कोई सबक हासिल नहीं करना, और वही आज हम देख रहे हैं जो पाकिस्तान में हो रहा है। माशाल्लाह कुर्तुबा पहुँच गया हूँ जी, और थोड़ी देर में इंशाल्लाह होटल में चेक इन करेंगे, फिर आप हजरात को कुर्तुबा की हिस्ट्री और मस्जिद कुर्तुबा के हवाले से भी इंशाल्लाह अपडेट करूँगा। टैक्सी में बैठ गया भाई, माशाल्लाह इज अ ब्यूटीफुल टैक्सी। कौन सी गाड़ी? टेस्ला गाड़ी है भाई, टेस्ला टैक्सी में चल रही है कुर्तुबा, ज़बरदस्त। ये माशाल्लाह इस दफ़ा मैंने बिल्कुल कुर्तुबा मस्जिद के साथ बिल्कुल साथ होटल लिया है और बड़ी हिस्टोरिकल जगह है। मैं हमेशा जब भी आया ग्रुप के साथ आया, तो ग्रुप के साथ लोग होते हैं और आपको मैनेज करना होता है, तो आप बिज़ी होते हो ना, लेकिन इस दफ़ा मैं चाहता था कि दो दिन ठहरूं कुर्तुबा में और थोड़ी सी फीलिंग लूं, कुर्तुबा को अपने अंदर समूँ हलूल करूं, तो इसलिए मैंने ये ट्रेडिशनल होटल है और इसमें आप देख सकते हैं किसी ज़माने में किसी मुसलमान का घर होता होगा। खूबसूरत أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون Egyptian tea है, उसमें फर्क ये होता है जैसे टी बैग डलता है ना, इसमें टी बैग नहीं है, जिसके अंदर ये देखें मैं चाह नहीं रहा कि वो चाय में गिर जाए। ये पत्ती है नाज़रीन, मेरे पीछे आपको मस्जिद कुर्तुबा नज़र आ रही है और ये रोमन ब्रिज है। असल में ये मुसलमानों का कायम करदा ब्रिज है और ये वादियुल कबीर के ऊपर बनाया गया है, और पीछे आप देख सकते हैं मस्जिद कुर्तुबा। तो जब हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने जब मस्जिद कुर्तुबा पर नज़र डाली, तो उन्होंने कुछ अशार इसकी शान में बयान किए बाले जबरील में, तो वो हमें दर्स देती हैं माजी का सबक और मुस्तकबिल में किस तरह से
और क्या हमें इससे इबरत हासिल करनी चाहिए, तो लिहाजा वो मैं आप हजरात के सामने पेश करता हूँ। तेरा जलाल व जमाल मर्द खुदा की दलील, वो भी जलील व जमील तू भी जलील व जमील, तेरी बिनाए पायदार तेरे सतू बेशुमार, शाम के सहरा में हो जैसे हुजूम नखील, तेरे दरो बाम पर वादिये ऐमन का नूर, तेरे दरो बाम पर वादिये ऐमन का नूर, तेरा मीनारा बुलंद जलवा गाहे जिब्रील, मिट नहीं सकता कभी मर्द मुसलमान का है, मिट नहीं सकता कभी मर्द मुसलमान का है, उसकी अजानों से फाशे सुरे कलीम व खलील। तो ये अल्लामा इकबाल के अशआर हैं, बाकी बहुत बड़ी नज़म है और उन्होंने एक मरसिया भी कहा है जिसको मरसिया कुर्तुबा कहा जाता है। तो लिहाजा इस वक्त एक मरसिया पूरे मुसलमानों के लिए भी होना चाहिए। अभी आप ये देख रहे हैं, ये इसको रोमन ब्रिज कहा जाता है, ये सामने म्यूज़ियम है और इसके अंदर जो है वो पूरी मुसलमानों की हिस्ट्री है और काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर। इंशाल्लाह कल दिन में मैं किसी वक्त आपको ये ज़रूर दिखाऊंगा। एक गुलस्तान है अंदलुस वो दिन है याद तुझको, था तेरी डालियों में जब आशियाँ हमारा, थमता ना था किसी से सहले रवा हमारा। ज़बरदस्त नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत मंज़र है सनसेट का, सूरज ग़ुरूब होने का। इंशाल्लाह अभी मैं अंदर जाके, एक मस्जिद है कुर्तुबा के अंदर, उधर जाके मगरिब की नमाज़ पढ़ूंगा। और माशाल्लाह मैं यहाँ कई दफ़ा आया हूँ और जब भी आता हूँ मुझे एक बड़ा एक खूबसूरत सा एहसास होता है। थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, दुख होता है कि कभी मगरिब की वादियों में गूंजी अदा हमारी, तो वो आज अदा नहीं गूंज रही। लेकिन ये है कि आप जो है वो इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा इंशाल्लाह, आप मंज़र एंजॉय करें। अल इश्क हुआ الذي يشرح لنا نفسه نفسه what is it العشق وفعله الازلي العشق नाज़रीन, आज आपको मैं एक बड़ी अहम बात बताता हूँ। आजकल यूरोप को कहते हैं ना कि रोशनियों का शहर है, लेकिन मैं आपको बताऊं 1050 यानी 1050 में कुर्तुबा के अंदर पहली स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई। और वो ये देखें आप, ये मस्जिद है कुर्तुबा की, जामा मस्जिद होती थी। और जब वो स्ट्रीट लाइट्स जलती थी रात को, तो और यूरोप के अंदर तो यानी विलेजेस थे, गांव देहात, और उनको पता भी नहीं था कि किस तरीके से लाइटों को रोशन करना है, स्ट्रीट को रोशन करना है। तो ये यहाँ से कुर्तुबा से इसके स्टार्टिंग हुई और कुर्तुबा से ये जो है सिलसिला शुरू हुआ। तो आज जो है हम मुसलमान तारीखियों में और वो रोशनियों में हैं, लेकिन रोशनी देने वाले हमेशा से अल्लाह ताला ने अहले इस्लाम को ही बनाया। तो मैंने कहा ये आपसे एक चीज़ शेयर करूँ, और मैं बहुत सालों से आ रहा हूँ लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल कुर्तुबा मस्जिद के साथ ये इधर रह रहा हूँ मैं। ये देखिए इस जगह पे मैं आपको सुबह इंशाल्लाह सुबह अपनी बैल्कनी से दिखाऊंगा। और मेरा रहने का, दो रातें रहने का मकसद ये है कि मैं फील करूँ उन सारी चीज़ों को। माशाल्लाह इट्स ब्यूटीफुल। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दिन कुर्तुबा में गुजारना है और आप हज़रात को एक नए अंदाज के साथ कुर्तुबा की जो है वो डॉक्यूमेंट्री दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और
नई चीज़ आगे इस वीडियो में आप देखेंगे, अल्फसा या एक मुस्तकिल एक वीडियो बनाएंगे या अलग से। और जो अब्दुलरहमान असोम ने एक महल बनाया था, वो महल भी मैं आपको इस दफ़ा दिखाऊँगा। فتلك الروح تتقلب بأن نخطو على الأشواك والآلام كي نكسب محبة خالق الأشواك. حسنين آئے آپکو میں قرطبہ کا قاصل دکھاتا ہوں اور قصر، اور یہ پہلی دفعہ کتی دفعہ آیا ہوں اور مزید قرطبہ دیکھی اور چلے گئے، لیکن ایک رات یہاں میں ٹھہرا، کل آیا تھا رات ٹھہرا، आज भी यही हूँ، कल सुबह यहाँ से निकलूँगा। तो ये आप देख रहे हैं ये कुर्तुबा का अलकसर है, और जो अब्दुलरहमान दाखिल है 756 से लेके 756 ईस्वी से लेके और तकरीबन ऑलमोस्ट 32 साल तक उसकी हुकूमत रही और 788 तक। अंदर अभी मैं आपको थोड़ा सा अंदर भी लेके जाऊँगा और थोड़ा सा हिस्ट्री की बताऊँगा। अच्छा, उस दौरान अब्दुलरहमान अद्दाखिल को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, और उन चैलेंजेस में से एक ये था कि जो मकामी उमरा थे और उनके साथ निमटना था और उनकी जो बगावतें थीं उनको कुचला उसने। और फिर जो फ्रांस का बादशाह था शार्लेमान, उसने जो हमला किया उसके हमले को पसपा किया। ये एक बहुत बड़ी उसकी जो है वो अचीवमेंट थी। और उसके बाद जो फ्रांस के कई शहरों के ऊपर फिर कब्ज़ा भी किया आगे जाके जो है वो इस्पानिया जो है वो वहाँ तक उसकी तौसी हो चुकी थी। तो बड़ा ये एक अहम लोकेशन है और काफ़ी अहम लोकेशन के ऊपर ये किला कायम किया गया। और मजीद कुर्तुबा जो है वो इंशाल्लाह जब उसकी मैं बताऊँगा हिस्ट्री तो आपको उसके बारे में तस्करा करूँगा। वो उस तरफ है, वो सामने नज़र आ रहा है मीनार आपको, मजीद कुर्तुबा जो है वो उस तरफ है। तो ये इतना दूर नहीं है, उसी इलाके के अंदर, और इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। पहली दफ़ा आप लोग इसकी हिस्ट्री सुनेंगे और देखेंगे इसकी डॉक्यूमेंट्री को इंशाल्लाह। आगे मैं और थोड़ा सा आपको, मैं टिकट ले रहा हूँ अंदर जाने के लिए, फिर और थोड़ा सा आपको बताऊँगा। अब्दुलरहमान अल अव्वल तो 711 के अंदर आपको पता है इस्पानिया फतह हुआ तारिक बिन ज़ियाद के हाथ, उसकी इब्तदा हुई और फिर ये सिलसिला चलता रहा। जब मूसा बिन नुसैर यहाँ पे आया, मूसा बिन नसीर कह लें या नुसैर कह लें, मशहूर मूसा बिन नुसैर है या मूसा बिन नसीर, तो जब वो यहाँ से वापस गया तो वलीद बिन अब्दुल मलिक जो है वो मुसलमानों का हाकिम था, तो अपने बेटे अब्दुल अज़ीज़ को यहाँ का गवर्नर बना के गया। तो ऑलमोस्ट 20 से लेके 30 के करीब जो है वो गवर्नर यहाँ पे रहे। और फिर उसके बाद अब्दुलरहमान अव्वल जिसने जो है वो इस किले की तामीर शुरू की, और ये बड़ा अहम मरकज़ था सियासी, सकाफती और तजारती, और यहीं से सारे उमूर जो है मुमलिकत के चलाए जाते थे। में अब्दुलरहमान सेकंड, जिसको अब्दुलरहमान असानी कहा जाता है, वो तख्त नशीन हुआ, और उसका 30 साल दौर हुकूमत बड़ा अहम है, यानी तिजारती तौर पर, सियासी तौर पर और उलूम और फ़नून के अतबार से भी। और उसने बहरी बेड़े को बड़ा मजबूत किया, और उस 30 साल इक्तदार के अंदर सही मानों में कुर्तुबा और स्पेन की ताकत को जो है वो उसने इतना बढ़ाया कि फिर उसका चर्चा पूरे दुनिया के अंदर होने लगा। और
मैं आगे चल के आपको एक और एक अहम बात बताऊंगा, आप थोड़ी सी और इस किले को एक्सप्लोर करें। नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि फव्वारे, तालाब और ये सब कुछ, ये हम बात कर रहे हैं 7th century की 8th century की 800 साल की, यानी और दुनिया के अंदर कुर्तुबा पहला शहर था जिसके अंदर पाइपों के अंदर वाटर सप्लाई होती थी। और वादी अल कबीर जो एक नहर है, रोमन ब्रिज से जब आते हैं उसके नीचे, वो आपने मेरी वो कुर्तुबा की वीडियो में देखी होगी, इस वीडियो में भी मैं वो सीन डाल दूंगा कि उसके अंदर पूरी पंचक्की थी और जो पूरा वाटर सप्लाई का निज़ाम चलाती थी। आजकल घरों में पानी आता है, नलकों में पानी आता है, तो उस ज़माने में पूरी दुनिया के अंदर वाहिद शहर था कुर्तुबा, जहाँ पर ये घरों के अंदर पानी की सप्लाई का इंतज़ाम था। देखें, आप ये देख रहे हैं, आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। आए, आप ये देख रहे हैं, ये इस तरीके से नालियां बनी हुई हैं। इस तरीके से जो है ब्यूटीफुल। और बताता नाज़रीन, एक जर्मन नन थी, उसका एक कोट है कि पूरी दुनिया की मिसाल ऐसे जैसे अंगूठी, और उसका जो नगीना है वो कुर्तुबा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुर्तुबा कितना खूबसूरत और डेवलप शहर था, और इसको किसी भी हैसियत से ये बगदाद से कम नहीं था। उस वक्त दुनिया के अंदर जो सिविलाइज जो सिटी थी वो बगदाद काउंट होती थी, लेकिन अक्सर मुअर्रिखीन, तारीख दानों का और सयाह का कहना है जिन्होंने दुनिया को उस वक्त एक्सप्लोर किया था, कि कुर्तुबा ने बहुत तेज़ी से बगदाद से ऊपर अपना, उससे यानी बेहतर मकाम बना लिया। नाज़रीन, कुर्तुबा के अंदर एग्रीकल्चर के ऊपर बड़ा काम किया मुसलमानों ने, और दो चीज़ें बड़ी अहम थीं जिन पर बहुत फोकस था। एक है ओलिव, जैतून, वत्तीन ही वज़ैतून। आप ये देख रहे हैं, ये पूरा एक जैतून का दरख्त है, ऐसे बागात के बागात हैं, और ये जैतून है, और जैतून का ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल, और ये यहाँ से बड़ा पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते थे। और उसके साथ साथ जो ज़ाफ़रान है उसकी जो काश्तकारी है वो यहाँ तो ही बेहतरीन जो ज़ाफ़रान है इस वक्त आपको ईरान के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर मिलती है, और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हैं, लेकिन स्पेनिश ज़ाफ़रान दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट है। मैं कोशिश करूँगा उसका भी कोई एक पौधा आपको दिखाऊँ। तो ये ज़बरदस्त, देखें, जैतून का दरख्त। नाज़रीन, कुर्तुबा दुनिया के अंदर, अब आप हैरान होंगे कि आप जब भी आप और ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ते हैं इस्पानिया की और कुर्तुबा शहर के हवाले से, तो आप यानी शौक हो जाएंगे कि दुनिया को कुर्तुबा ने क्या कुछ नहीं दिया। कुर्तुबा के अंदर जो है सबसे पहली फार्मेसी बनी, कुर्तुबा के अंदर कागज़ का इस्तेमाल शुरू हुआ, कुतुबखाने थे, दुकानें थी, पब्लिशर्स थे और ख़त्तात होते थे। आप एक किताब लेके जाएं, 200 ख़त्तात बैठे होते थे, और वो कातिब टक 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 खत्ताती करके किताब लिखकर आपको शाम तक 200 नुस्खे तैयार करके दे देते थे। तो इस हवाले से कुर्तुबा की कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत अहम है, और हम मुसलमानों को ज़रूर कुर्तुबा की और हिस्पानिया की हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए,
अगर पढ़ नहीं सकते तो मेरी वीडियो देखें और उससे आपको नॉलेज मिलेगी। और जब भी आप कुर्तुबा आएँ तो कुर्तुबा के अंदर मस्जिद कुर्तुबा की एक अपनी अहमियत है, उसका कोई इनकार नहीं, क्योंकि मुसलमान इमोशनली अटैच होता है मस्जिद के साथ। लेकिन उसके साथ साथ ये जो किला है, इस किले की बड़ी अहमियत है, क्योंकि ये सबसे पहला सियासी मरकज था जहाँ से इस्पानिया, फिर वो अंडलुसिया और फिर अलहमरा तक पहुँचे। तो ये कोई मामूली जगह नहीं है। नाज़रीन, 1236 के अंदर कुर्तुबा को रिकॉन्कर्ड कर लिया गया, दोबारा ईसाइयों के कब्ज़े में चला गया। और 1328 में अल्फांसो ने इस किले की तौसी की, और आपको थोड़ा सा जो इसको क्रिश्चियन लुक जो नज़र आती है वो अल्फांसो ने की थी। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 1328 और 1492 को फिर गरनाता जो है वो भी फॉल कर गया आखिर में। तो इस हवाले से ये कुर्तुबा की जो हिस्ट्री है, और अल्लामा इकबाल जब आए 1933 में, बाज़ कहते हैं 1930 में आए, बाज़ कहते हैं 1931 में आए, मैंने मुख्तलिफ़ जगह पढ़ा, लेकिन 1930 और 1933 के दरमियान में किसी वक्त में आए और आकर उन्होंने एक पूरी एक बाले जबरील में कुर्तुबा की शान में एक नज़म कही है, और साथ साथ उन्होंने फिर यहाँ अदान भी दी, नमाज भी पढ़ी। वो इंशाल्लाह मस्जिद कुर्तुबा के हवाले से जब बात करूँगा तो मैं उसमें बताऊँगा। तो फाइनली मुसलमानों का यहाँ से खात्मा हो गया। दरवाजे कैसे होते सबसे पहले टैप वाटर, सीवरेज का सिस्टम, पाइपलाइन है दुनिया के अंदर सुबह से शुरू हुआ। इस वक्त मैं कुर्तुबा के अंदर म्यूज़ियम में हूँ, यहाँ पे अबुल कुसैस अबुल कासिम अज़हरवी, जो फर्स्ट जिसने इक्विपमेंट बनाए थे, जो मॉडर्न मेडिकल साइंसेज है वो आज तक ये इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। ये सब सर्जिकल कुर्तुबा शहर को जो वाटर सप्लाई होता था ना, इस तरह से पंचक्की ये इस तरह से चलती थी और ये पूरे शहर को पानी सप्लाई होता था। ये अब्दुर्रहमान द थर्ड एक क्रिश्चियन एम्परर का जो है वो उसके साथ मुलाकात कर रहा है। देखें पूरा एक वफ्त आया है। स्पेन के अंदर एक बहुत बड़ा गुरुकार था जिसका नाम ज़रियात था। 1000 से ज़्यादा उसको राग आते थे और मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स को वो बजाता था। और ये इंस्ट्रूमेंट जो आज आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये मुसलमानों की ईजाद करता है। देखें ये मस्जिद कुर्तुबा का असल वो है
यानी अभी तो चेंज है ना, आप देख रहे हैं ना, लेकिन पहले ऐसे थी, देखें बिल्कुल इस तरह सिंपल, इस तरह ये पगड़ियों वाले देखे ना, ये मुख्तलिफ अल गवादिन, ये यूनिवर्सिटी, दिस इज यूनिवर्सिटी, स्कॉलर्स बैठ के पढ़ रहे हैं किताब, यूनिवर्सिटी मॉस्क, ये मस्जिद है, वजू खाना वजू कर रहे हैं, देखे यहाँ माम है, देखो यहाँ माम है, पहले यानी हमाम जो हैं वो मुसलमानों ने बनाए, देखिए ये हमाम अलकासार के सामने हमाम होता था, ये अब्दुर्रहमान द थर्ड, पैलेस ऑफ खलीफा अब्दुर्रहमान द थर्ड, हिजलूस हाउस, यूसुफ बाजार, हिजरी से लेके 132 हिजरी तक ऑलमोस्ट आप समझ लें 100 साल तक बनू उमैया की हुकूमत रही, और जब बनू अब्बास के हाथों बनू उमैया का ख़ात्मा हुआ तो हिशाम बिन अब्दुल मलिक का 20 साल पोता अब्दुर्रहमान अव्वल, जिसकी वालदा का ताल्लुक मगरिब से था, मराकश से, बरबर कबीले से, वो अपनी जान बचाता हुआ मराकश पहुँचा, और वहाँ पर क्योंकि उसकी वालदा का ताल्लुक वहाँ से था बहुत जल्दी उसको पज़ीराई मिली और उन लोगों ने उसको अपना कमांडर बना दिया, लिहाजा ये अब्दुर्रहमान अव्वल है जिसने अब्बासियों को फिर शिकस्त दी यहाँ पर, और फिर अब्बासियों ने उसका पीछा छोड़ दिया क्योंकि उनको अंदाज़ा हो गया कि अब ये चला गया है, और उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये नौजवान आगे जाके क्या कारनामा अंजाम देने वाला है, तो लिहाजा इस तरीके से अब्दुर्रहमान अव्वल पहला कमांडर बना। 711 में वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में तारिक बिन ज़ियाद ने स्पेन को फ़तह किया, मूसा बिन नुसैर जो है उन्होंने फिर अपने बेटे को यहाँ का गवर्नर बनाया, और तकरीबन 40 साल तक मुख्तलिफ किस्म के गवर्नर यहाँ पे हुकूमत करते रहे, और बहुत ही बदअमनी का दौर था, और उसका फ़ायदा उठाते हुए अब्दुर्रहमान अव्वल ने फिर पहली जो इस्लामी हुकूमत है इस्पानिया के अंदर उसको कायम किया, तो और उसका जो पहला जो कैपिटल था वो कुर्तुबा को जो है वो डिक्लेयर किया, जो आप देख सकते हैं ये शहर। शहर कुर्तुबा, देखिए गलियाँ देख रहे हैं आप, दरख्त देखें, ब्यूटीफुल, बस यार उसके ऊपर लिखा था फातिमा, आपने देखी होगी वीडियो में वो, बस यहाँ बड़े यास्मीन, फातिमा, जहरा,
समीना, ये सारे नाम बड़े पॉपुलर हैं। हाँ, ये ज़रा ऐसी जगह है जहाँ लोकल रहते हैं। नाज़रीन, ये मेरे पीछे आप फार्मेसी देख रहे हैं, आज दुनिया में पॉपुलर है, हर मुल्क में होती है, हर शहर में होती है, लेकिन इस्लाम इस्लामी तारीख में अगर मैं ये कहूँ कि बल्कि हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, सबसे पहली फार्मेसी इस शहर कुर्तुबा में कायम है। मैं कुर्तुबा में हूँ और प्रिस्क्रिप्शन जो होती है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन, यहाँ पे सबसे पहली क्लिनिक यहाँ पे बनी, मतलब अबुल कासिम अज़हरावी जो है वो इल्मुल जराहात मेडिकल साइंसेस का पहला सर्जन है जिसने ऑपरेशन किया, मेडिकल जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके इजाद करते हैं, सबसे पहला ऑपरेशन कैटरेक्ट का उसने किया और मुख्तलिफ किस्म के जो ऑपरेशन उसने किए और आज ये पूरी दुनिया इसको तस्लीम करती है, बल्कि उसी की रिसर्च पे आज मेडिकल साइंसेस खड़ी हुई है। मैं जाता हूँ, देखता हूँ कुर्तुबा की फार्मेसी। असम्पशन ऑफ मैरी, ये कोई इनका रिलीजियस जुलूस है जो ये मस्जिद कुर्तुबा से निकालते हैं। तो नकली हजरत मरियम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं नाज़रीन? ये कुर्तुबा की गलियां हैं और मुस्लिम कुर्तुबा में लोग कैसे रहा करते थे, मैं आपको दिखाता हूँ। आए, आप ये देखें, इट्स ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। ओके नाज़रीन, ये आप इस तरह के कुर्तुबा के अंदर काफ़ी पैठियो हैं जैसे लोग कुर्तुबा में रहा करते थे। ये जो फैमिली है देखें, ये लोग हैं, ये माशाल्लाह दिखाए हैं, ये और नौजवान लड़का है अंदर, तो फ्रेंड्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कुर्तुबा, एसोसिएशन ऑफ फ्रेंड्स ऑफ कुर्तुबा एक जो मकीन है यहाँ के, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई है और वो पूरा साल इसको लुक आफ्टर करते हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोग, ये लोग अपने शहर से कितनी मोहब्बत करते हैं, यहाँ कोई रहता नहीं, यूज़ टू पुराने ज़माने में लोग रहते थे, लेकिन अभी ये माशाल्लाह आप देखें इस तरह से इसको लुक आफ्टर करते हैं अंदर। फिर ये शॉप भी है, इसकी तरह और परफ्यूम और ये चीज़ें बेचते भी हैं। ये कैसे दरख्त कैसे लगे हैं देखें, गलियों के अंदर सफाई के साथ, वो देखें, ये देखें, और नाज़रीन मैं कुर्तुबा से आज निकल रहा हूँ और जा रहा हूँ गरनाता, तो इंशाल्लाह आपको गरनाता की पूरी हिस्ट्री और वहाँ पे अल्हम्ब्रा पैलेस और भी बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। और आप कुर्तुबा देखें, बड़ा क्वाइट एंड क्लीन शहर है। नाज़रीन कुर्तुबा स्टेशन पे मैं पहुंच चुका हूं गरनाता जाने के लिए, और कुर्तुबा का टूर मुझे पूरा यकीन है कि वन ऑफ द बेस्ट टूर होगा और डॉक्यूमेंट्री होगी। टूर तो मेरा हो चुका, बूढ़ा हो रहा हूँ, चले आपको स्टेशन में थोड़ा सा दिखा दूँ। इस वक्त मैं ट्रेन में हूँ और गरनाता जा रहा हूँ, जिसको गरनाता कहते हैं लेकिन अरबी में गरनाता कहते हैं। गरनाता असल में
कैसे होता है ना, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा या नहीं बताऊंगा। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि हमने अगर स्पेन को डिस्कवर करना है तो किस तरह से करें, क्या हमारी ट्रैवल जर्नी होनी चाहिए। अच्छा देखें, बहुत सारे लोग तो जाते हैं बार्सिलोना, मैड्रिड, वो उस तरफ इतनी इस्लामिक हिस्ट्री नहीं है। मैड्रिड में आप जाएं तो वहाँ से आधे पौने घंटे की ड्राइव पे तलीगो शहर है, जो एक ज़माने में बड़ा मुसलमानों का कैपिटल होता था, जिसको तलीला कहा जाता है अरबी में। लेकिन बेस्ट वे तो आप फ्लाइट लें, जहाँ से भी लें, आप लंदन से लें या और दुनिया के किसी मुल्क से भी लें, तो आप पहले आएँ मलागा, और मलागा में आप दो रातें रहें। मलागा के अंदर मलागा कासल है और अलकसबा है, अलकसर है, और ये जो हिस्ट्री है इसको आप डिस्कवर करें। और मलागा इज़ अ ब्यूटीफुल शहर, बहुत मज़ा आएगा आपको, समंदर है, सी साइट है। फिर इस तरह उसके बाद आप आए सभी, और हमने ट्रेन ली थी, और आप भी ट्रेन ले सकते हैं, आप बस भी ले सकते हैं। और एक टिकट जो होता है तकरीबन ऑलमोस्ट आप 20 यूरो तक में आपको एक ट्रेन का टिकट मिल जाएगा, बस का टिकट आपको 15 यूरो तक का मिल जाएगा। तो तकरीबन वो कोई 2-2.5 घंटे की ट्रेन होती है, आप वो तकरीबन ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स की होती है इतनी की। तो फिर आप सवील आ जाएं, सवील में आप 2 रातें ठहरें। सवील के अंदर भी बहुत हिस्ट्री है, इस्लामिक हिस्ट्री है, अलफसर है, इस तरह से ग्रैंड मॉस्क ऑफ सवील शबेलिया वो भी है, और बहुत कुछ है सवील में देखने को, और दो दिन बहुत हैं, आप वहाँ पे इंजॉय करें। फिर आप सवील से आप कुर्तुबा आ जाएं, कुर्तुबा ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स की ट्रेन होती है, हमने ट्रेन ली थी, आप ट्रेन में आ सकते हैं, बहुत अच्छी ट्रेन है, देखें माशाल्लाह मज़े से बैठे हुए और बड़ा रिलैक्स होता है, ऑन टाइम होती है, ये भी कोई आपको 15-20 यूरो का टिकट मिलेगा। फिर उसके बाद जो है वो आप 2 दिन कुर्तुबा में रहें, कुर्तुबा के अंदर मस्जिद कुर्तुबा है, फिर आपको जो है अलकसर है, और कुर्तुबा शहर है, गलियाँ हैं, बहुत कुछ है देखने को। फिर आप वहाँ से 2 दिन के बाद आप ले लें गरनाता, अब जैसे हम गरनाता जा रहे हैं, गरनाता जिसको कहा जाता है, और ये तकरीबन कोई 1 आवर 45 मिनट्स की ट्रेन है, और ये टिकट भी हमने कोई ऑलमोस्ट 20-22 यूरो का लिया है। तो ट्रेन ज़्यादा अच्छी है, और हम 2 दिन यहाँ ठहरेंगे और अलहमरा और ये सारी चीज़ें करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है कि हम 3 नाइट्स ठहरे थे मलागा के अंदर, तो आप 2 नाइट्स भी ठहर सकते हैं, तो 2 नाइट्स 8 नाइट्स और 9 डेज़ का ये टूर बनता है। और टैक्सियाँ हर जगह अवेलेबल हैं, कहीं भी आप चले जाएं 10 यूरो से ज़्यादा पैसे बनते नहीं हैं, 5-6 यूरो बनते हैं, 7 यूरो बनते हैं, और बहुत ही ईजीली आपको टैक्सी अवेलेबल होती है। तो इस तरीके से आप ये पूरा स्पेन डिस्कवर कर सकते हैं। और सबसे अच्छा क्या है कि आप टूर गाइड ले लें, अगर टूर गाइड नहीं ले सकते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिस जगह जाना है उस जगह की मेरी वीडियो लगाएँ और वीडियो देखें। और ठीक है जी, आए आपको तारीखी मस्जिद कुर्तुबा आपको दिखा दें, और जो सबसे बड़ी मेन जो मरकज़ी मस्जिद थी वो मस्जिद कुर्तुबा थी।